सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक सम के बारे में जो बहुत ही जनरल सम है और बहुत जगह पूछा भी जाता है, और आप आज मैं आपको उसकी एक प्रॉपर मेथड बताऊंगा। अगर आपने वो देख ली तो आप इस प्रकार के कोई भी सम को कुछ सेकंड्स के अंदर बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं जो सम बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा, और पहले तो मैं आपको उसे फॉर्मूला बताऊंगा उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर उसके कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई सम ऐसा है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू बी इंटू सी है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो तो एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डी इज इक्वल टू एस इंटू टी, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। या फिर एक और फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन, ये भी एक फॉर्मूला होता है। और एक अदर फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का एरिया, ए फॉर एरिया इज इक्वल टू ब्रेड्थ इंटू विड्थ बी इंटू डब्ल्यू, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। और एक जो टाइप का क्वेश्चन इन सब में पूछा जाता है, यहाँ पर मैंने ए इक्वल टू बी इंटू सी जनरल लिया है, ठीक है। इसमें आप कुछ भी इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें पूछा क्या जाता है, आपको पूछा यह जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको कहते हैं कि ये डी जो है ना वो कॉन्स्टेंट है, बट यहाँ पर स्पीड जो है इसकी 10% से बढ़ गई है। मतलब डी कॉन्स्टेंट, स्पीड को आपने 10% से बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ गई। तो टी में क्या चेंज होगा वो आपको बताना होगा। ये बढ़ेगी, टी बढ़ेगा घटेगा, और बढ़ेगा अगर घटेगा भी तो कितने परसेंटेज से घटेगा, जिससे कि ये डी की जो वैल्यू हो ना उसमें कोई भी फर्क ना पड़े, वो अनचेंज्ड रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एक और एग्जांपल लेके बताऊँ इसका मतलब हमें कहना क्या जाता हूँ, ये कॉन्स्टेंट कैसे रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 है, ठीक है, एस और टी फॉर एग्जाम्पल 2 × 2 है, समझ में आ रहा है। अब बोला जा रहा है ये तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर तो 4 ही आएगा, मतलब यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू डालो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 4 ही आना चाहिए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इस 2 को मैंने 4 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐसा क्या लाऊँ जिससे कि आंसर तो 4 ही आया, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैंने 2 की जगह 4 कर दिया, तो आप बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए जिससे कि आंसर 4 आए, ऑब्वियसली 1, ठीक है। यहाँ पर 1 आया तो 4 × 1 1 हो जाएगा, सिंपल। तो यह इस तरीके से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एस हमने 10% से बढ़ा दिया, तो टी में क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगी, ये कॉमन सेंस है, क्यों, क्योंकि अगर ये कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है, एक टर्म को आपने बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली दूसरे को घटाना पड़ेगा, तभी तो ये कॉन्स्टेंट रहेगा। दोनों बढ़ाएंगे तो ये कॉन्स्टेंट कैसे रहेगा। यहाँ पर भी देखिए मैंने 2 को 4 कर दिया तो ऑब्वियसली मैंने 2 को 1 किया, एक बढ़ा तो एक घटा, ये आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, ठीक है। एक बढ़ेगा तो दूसरा हमेशा घटेगा। अगर ये मैंने यहाँ पर 2 की जगह 1 किया होगा ना तो ये 2 की जगह 4 हो जाता है, एक को मैंने घटाया तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्म है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जेनरिक बात करूँ ए इज इक्वल टू बी सी ए, तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ बी को मैंने 8% से बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी आर की जगह 10% 5% 20%, मैं आपको जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इसका आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिससे कि अगर यहाँ पर बताए ना कि 10% से बढ़ा तो टी में कितना घटा होगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा। बी को मैंने 8% से बढ़ा दिया तो मैं कहता हूँ कि सी में अब क्या होगा, ऑब्वियसली सी तो घटने वाला है, वह तो आपको पता चल गया, मैंने यहाँ पर भी बताया एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, पर कितने परसेंट से घटेगा वो आपको कैसे पता चलेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है R डिवाइड बाई 100 प्लस R इंटू 100 परसेंटेज से ये घटेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये 8% से बढ़ाया तो ये R डिवाइड बाई 100 प्लस R इंटू 100 ये टोटल का परसेंटेज होगा, उतना कम होगा। इसी में बताओ अगर मैंने यहाँ पर क्या कहा आपको 10% से बढ़ रहा है, ठीक है। B अगर यही एग्जाम्पल लो, B 10% से बढ़ा तो बताओ कि C में कितना डिफरेंस होगा, मतलब सी कितना कम होगा जिससे कि ये ए कॉन्स्टेंट रहे, ए की वैल्यू में चेंज ना आए। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर लिखो आर यहाँ पर क्या है, 10 है, 8% मैंने यह लिखा था तो आर 10 है, सो 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 10 इंटू 100 ये क्या होगा, 10 डिवाइड बाई 110 ये कैंसिल, तो 1/11 इंटू 100, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा 100/11% उससे से ये
सी कम होगा, जिससे कि ए की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी, ए की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, ये तो होगी बढ़ने की बात, अगर फॉर एग्जाम्पल बी को मैं आर परसेंट से कम करूँ तो ऑब्वियसली सी बढ़ेगा, तो कितने परसेंटेज से बढ़ेगा वो कैसे पता चलेगा? तो उसका फॉर्मूला होता है, ये तो सी बढ़ने वाला है तो उसका फॉर्मूला है आर डिवाइड बाई 100 माइनस आर इंटू 100। ठीक है, एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस आएगा यहाँ पर माइनस आएगा, और वो क्यों आता है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ का मैंने बी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको पता है सी कम होने वाला है। अब इस पूरे वैल्यू में ये पूरी वैल्यू कम कब होगी? जब ये डिनोमिनेटर या फिर छेद में जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। ये बढ़ेगी कब? 100 प्लस आर करेंगे या फिर 100 माइनस आर करेंगे तब? ऑब्वियसली 100 प्लस आर करेंगे तब ये वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये वैल्यू बढ़ी तो ये पूरी वैल्यू कम होगी, तो ओवरऑल परसेंटेज भी कम होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ कम हुआ तो ऑब्वियसली सी बढ़ेगा। ये पूरी वैल्यू कब बढ़ेगी? जब ये डिनोमिनेटर जो वैल्यू है वो कम होगी 100 माइनस आर। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 1/2 एंड 1/4, ये है 0.5, ये है 0.25, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू सबसे बड़ी है इन दोनों में, ये कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमीटर छेद में ये वैल्यू कम है, तो छेद में जितनी वैल्यू कम होगी वो पूरी वैल्यू उतनी बड़ी होगी। ये यहाँ पर देखिए 2 ग्रेटर देन 4 है, पर वैल्यू देखिए 0.5 ज़्यादा है, 0.25 कम है। इसी तरीके से ये छेद जितना कम होगा उतनी ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ये छेद जितना ज़्यादा होगा उतनी वैल्यू कम होगी। समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से अगर 10% को यहाँ पर भी लिखूँ तो यहाँ पर क्या होगा? 10/100-10, तो क्या होगा? 10/90, सो 1/9 × 100, 100/9% ये बढ़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको ये पता चल गया तो आप इसके कितने भी सम हो, किसी भी टाइप के सम हो, उसको आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल D=S×T है, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये जो फॉर्मूला है ना वो है। अब मैं बताऊँ आपको कि एस को हमने 12.50% से घटा दिया है, एस को 12.50% से घटा दिया है और डी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो टी को हम, तो फिर टी में क्या चेंज आएगा, मतलब टी में परसेंटेज कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा? ऑब्वियसली मैंने जैसा पहले कहा, या बढ़ा तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो ज़्यादा ही बढ़ाना ही पड़ेगा, तो टी की वैल्यू बढ़ेगी, पर कितने परसेंटेज से बढ़ेगी वो कैसे पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये मैंने बताया यहाँ पर। तो क्या होगा? आर, आर ये हो गया, तो 12.50/100-12.50, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर रहेगा 14.28%। ठीक है, इतने से ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो 50% से कम होगा तो दूसरी टर्म 14.28% से बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर हमारा कॉन्स्टेंट आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये पूरी बात मैंने की थी, आई एम श्योर आपको सब कुछ समझ में आया। अगर मैं आपको दो चीज़ बोलूँ जो आपको याद रखनी है इसमें, तो यही, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, और ये दोनों फॉर्मूला, या फिर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। ये कम कब होगा? जब ये डिनोमीटर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वहाँ प्लस आएगा। ये बढ़ेगा कब? जब ये डिनोमीटर या फिर छेद में जो वैल्यू होगी वो कम होगी, इसलिए यहाँ पर 100-R आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह पूरा वीडियो समझ में आया। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।